दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं बताऊंगा टॉप 10 ऐप्स फॉर यूट्यूबर्स, जो कि ऐप बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि जो यूट्यूबर्स होते हैं उन्हें बहुत सारी चीज़ें करने रहती हैं, जैसे थंबनेल, वीडियो एडिटिंग, टैग्स, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या होता है कि ये सब वर्क करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसे टॉप 10 ऐप्स बताने वाला हूँ जो कि हेल्प करेगा हमारे वीडियोज को मेंटेन करने में, साथ ही साथ एडिटिंग, थंबनेल, इन सारे चीज़ों में हेल्प करेगा, जिससे हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिलेगा और जल्द से जल्द हम लोग वीडियो भी एडिट कर सकते हैं, साथ ही साथ बहुत अच्छे से वीडियो एडिट कर सकते हैं एंड उसे मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग टॉप 10 बात करने वाले हैं ऐप्स के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एडिटिंग के बारे में। जैसे ही एडिटिंग के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे टॉप पे आता है काइनमास्टर। काइनमास्टर एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि एंड्रॉयड के लिए है एंड इसको यूज करके हम लोग डायरेक्टली अपने वीडियो को एडिट कर सकते हैं। इसमें जो वीडियोज होती हैं वो हाई क्वालिटी, HD क्वालिटी में एडिट होती हैं एंड ये जो एप्लीकेशन है इसमें इतने सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे सिनेमैटिक वीडियो, जो हम लोग को स्टिकर्स और वीडियो इफेक्ट, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है जिसकी वजह से हम लोग अपने वीडियो को एक प्रोफेशनल तरीके से एडिट कर सकते हैं और उसे प्रोफेशनल तरह से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये सब तो एडिटिंग के बारे में हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ऐप आता है कि YT स्टूडियो। YT स्टूडियो एक YouTube के द्वारा लॉन्च किया गया एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन में क्या होता है कि इसमें हम लोग अपने चैनल को मैनेज कर सकते हैं, इसमें हम लोग अपने देख सकते हैं कितने व्यूज जाएँ, कितने सब्सक्राइबर बढ़े और मेनी मोर। साथ ही साथ इसमें एनालिटिक्स देख सकते हैं, इंप्रेशन रेट भी देख सकते हैं। ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग डायरेक्टली YT स्टूडियो से कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ YT स्टूडियो का यूज करके हम लोग अपने वीडियो को एडिट एंड डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है थर्ड ऐप, जो है #you। क्या होता है कि हम लोग वीडियो तो अपलोड करते हैं तो उसके लिए हम लोग को ज़रूरत पड़ती है कीवर्ड्स की, तो जो हम लोग टैग्स लगाते हैं तो ये सब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन लोगों के लिए क्या करना है कि #you एक ऐसा एप्लीकेशन है जो आपको आपके वीडियो रिलेटेड टैग्स प्रोवाइड कराता है। हम लोग को क्या करना रहता है, अपने वीडियो रिलेटेड एक टैग डालना रहता है, उसके बाद टैग को वहाँ से जनरेट करना है। वहाँ पर हम लोग को बहुत सारे टैग्स मिल जाएंगे जो हम लोग को 500 कैरेक्टर फिल करना रहता है, ये डायरेक्टली यहाँ से फिल हो जाता है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है ट्यूबबडी। ट्यूबबडी एक एक्सटेंशन भी है साथ ही साथ ऐप भी है। ट्यूबबडी के हेल्प से हम लोग अपने चैनल को डायरेक्टली मैनेज कर सकते हैं। ये ना ही सिर्फ हम लोग को टैग्स को जनरेट करेगा, साथ ही साथ हम लोग को टाइटल के लिए भी बताएगा, डिस्क्रिप्शन के लिए भी बताएगा और हमारे वीडियोज़ को रैंक करने में हेल्प करेगा। तो जो ट्यूबबडी का वर्जन है वो एक पेड आता है, एक फ्री भी आता है, तो फ्री ही काफ़ी रहता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है कि है Pixellab। Pixellab एक ऐसा एप्लीकेशन जिसमें हम लोग डायरेक्टली अपने थंबनेल को हाई रेजोल्यूशन पे एडिट कर सकते हैं। ये जो Pixellab है जो है इसमें बहुत सारे हम लोग को टैग्स मिलते हैं, हम लोग इसमें हिंदी से लिख सकते हैं, साथ ही साथ हम लोग इसमें इंग्लिश भी टाइप कर सकते हैं, तो इसके वजह से इसमें प्रोफेशनली एक थंबनेल एडिट होता है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम मोबाइल रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसके लिए हम लोग को स्क्रीन रिकॉर्डर की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर जो बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डर है वो है AZ स्क्रीन रिकॉर्डर। AZ स्क्रीन रिकॉर्डर जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्क्रीन रिकॉर्डर है जो कि हाई क्वालिटी में हम लोग को रिकॉर्ड करके देता है। एंड उसके बाद बात करते हैं Social Blade। Social Blade एक ऐसा वेबसाइट या एक ऐसा ऐप माना जाए जहाँ पर हम लोग अपने वीडियोज पर देख सकते हैं कि कितने व्यूज आए, कितने सब्सक्राइबर बढ़े, एज लाइक YT स्टूडियो की तरह है, लेकिन इस पर उतना इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है। तो एक Social Blade भी हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग रैपिड टैग्स के बारे में। रैपिड टैग्स एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ पर हम लोग डायरेक्टली जाकर अपने टैग रिलेटेड कोई वर्ड डालेंगे और वहाँ पर बहुत सारे टैग मिल जाएंगे। एंड यहाँ पर जो लास्ट एप्लीकेशन है ओपन कैमरा, जो कि हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर क्या होते हैं कि बोया वाला माइक यूज करते हैं एंड बोया वाला माइक जो होता है डायरेक्टली किसी फ़ोन या मोस्ट ऑफ द फोन में
सपोर्टेबल नहीं होता है। तो इस कंडीशन में हम लोगों को ज़रूरत पड़ता है ओपन कैमरा, क्योंकि इसमें बोया वाला माइक सपोर्ट करता है। साथ ही साथ इसमें हम लोग हाई रेजोल्यूशन एंड अपने तरीके से सेट कर सकते हैं कितने रेजोल्यूशन किस क्वालिटी में वीडियो चाहिए। तो ये जो ओपन कैमरा है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो गाइज ये थे टॉप 10 ऐप्स जो थे यूट्यूबर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा थे। अगर गाइज आपको किसी और ऐप्स के बारे में जानना है तो कमेंट कीजिए। सो गाइज लाइक शेयर एंड कमेंट।